आइए बड़ी भक्ति के साथ इस समय हम करुणा माला विनती में भाग लेंगे। प्रार्थना में रहें, प्रभु की करुणा और दया को हम इस समय याद करें, स्मरण करें और पूरी भक्ति के साथ पूरे मन, हृदय और आत्मा के साथ उसकी आराधना करें, उसकी महिमा करें और साथ ही साथ हम उससे प्रार्थना करें कि प्रभु हम सब पर दया करें और हमें आशीष प्रदान करें। आराधना 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 आराधना।
प्रभु का वचन कहता है जो मेरे पास आता है वो अंधकार में कभी नहीं भटकेगा। मैं संसार की ज्योति हूँ। थके मांदे और बोझ से दबे हुए लोगों, तुम सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, मैं तुम्हारा घाव भर दूंगा, मैं तुम्हें आशीष प्रदान करूंगा, मैं तुम्हें उन्नति प्रदान करूंगा। प्रभु का वचन कहता है परख कर देख लो कि वह कितना भला है। प्रियजनों, प्रभु की दया और करुणा उस पवित्र सलीब से उमड़ पड़ी, जहां जहां वो लहू बहता गया, जितनों ने उसे ग्रहण किया सब ने शिफा पाई। इस पवित्र दोपहर में हम प्रभु के दुख भोग पर मनन चिंतन करते हुए उसकी दया और करुणा के लिए याचना करेंगे। बाइबल हमें बताती है कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो गए, उसके घावों से हमें शिफा मिली, चंगाई मिली है। वो करुणामयी और दयालु ईश्वर है। इस वक्त अपने परिवारों को समर्पित करना, आप जितने भी लोग मेरे साथ ऑनलाइन प्रार्थना में जुड़ रहे हैं, प्रभु आपके परिवारों को आशीष दे। आज की एक करुणा माला विनती में विशेष रूप से पति पत्नी के लिए, बच्चों के लिए, युवक युवतियों के लिए, अधिकारियों, धर्माधीक्षों, प्रचारकों, पुरोहितों के लिए, देश के नेताओं के लिए हम प्रार्थना करेंगे और अपने गुनाहों के लिए माफी मांगेंगे। प्रभु की आत्मा इसमें हमारी सहायता करे। प्रेरितों का धर्मसार, हम स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर में विश्वास करते हैं और उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त में हम विश्वास करते हैं, जो पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भ में आए, कुमारी मरियम से जन्मे, उन्होंने पोंतियुस पिलातुस के शासन काल में दुख भोगा, वह क्रूस पर चढ़ाए गए, मर गए, दफनाए गए और अधोलोक में उतरे, वह तीसरे दिन मृतकों में से जी उठे, स्वर्ग गए, सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर के दाहिनी ओर विराजमान है, वहां से जीवितों और मृतकों का न्याय करने आएंगे। हम पवित्र आत्मा, पवित्र कैथोलिक कलीसिया, धर्मियों की सभा, पापों की क्षमा, शरीर के पुनरुत्थान और अनंत जीवन में विश्वास करते हैं, आमीन। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। प्रणाम मरियम, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में, धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की मां, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन। प्रणाम मरियम, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में, धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की मां, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन। प्रणाम मरियम, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में, धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की मां, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की बढ़ाई होवे, जैसे आदि में थी, अब है और अनंत काल तक सदा रहेगी, आमीन। दया के लिए प्रार्थना करेंगे। हे सर्वशक्तिमान पिता, हम अपने और सारे संसार के पापों के लिए पश्चाताप करते हुए तेरे परम प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का दिव्य शरीर और रक्त, आत्मा और ईश्वरता तुझे चढ़ाते हैं। उनके दुखों के नाम पर हम पर और सारे संसार पर दया कर, हम पर और सारे संसार पर दया कर। इस भेद में हम विशेष रूप से प्रार्थना करेंगे अपने परिवारों के लिए कि प्रभु हमारे परिवार पर दया करे, माता पिता पर, बुजुर्गों पर, पति पत्नियों पर और पूरे परिवार को प्रभु सुरक्षित रखे, आशीषें प्रदान करे। संत पौलुस लिखता है अफेसियों का पत्र अध्याय 6 पद संख्या 18, आप लोग हर समय आत्मा में सब प्रकार की प्रार्थना तथा निवेदन करते रहें और सब संतों के लिए निरंतर विनती करते रहें। निरंतर आप लोग प्रार्थना करते रहें, सब बातों के लिए
ईश्वर को धन्यवाद दें, क्योंकि ईसा मसीह के अनुसार आप लोगों के विषय में ईश्वर की यही इच्छा है। आपके परिवारों पर प्रभु दया करें और संसार के पापों को क्षमा करें, इसके लिए हम प्रार्थना करेंगे। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग मृत्यु और पुनरुत्थान के द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हे ईश्वर, तू परम पवित्र है, सर्वशक्तिमान और अमर है, हम पर और सारे संसार पर दया कर। हे ईश्वर, तू परम पवित्र है, सर्वशक्तिमान और अमर है, हम पर और सारे संसार पर दया कर। हे ईश्वर, तू परम पवित्र है, सर्वशक्तिमान और अमर है, हम पर और सारे संसार पर दया कर। दया करो हे क्रिस्त प्रभु, दया करो हे क्रिस्त प्रभु, दया करो हे क्रिस्त प्रभु, दया करो हे क्रिस्त प्रभु। शरण तुम्हारी आया हूँ, शरण तुम्हारी आया हूँ, शरण तुम्हारी आया हूँ, शरण तुम्हारी आया हूँ। अपना लो अपना टुकराओ, अपना लो अपना टुकराओ, शरण तुम्हारी आया हूँ, शरण तुम्हारी आया हूँ। प्रभु का वचन हमें बताता है रोमियो का पत्र अध्याय 8 पद संख्या 26 में, आत्मा भी हमारी दुर्बलता में हमारी सहायता करता है। हम नहीं जानते कि किस तरह प्रार्थना करनी चाहिए, परंतु आत्मा अस्पष्ट आहों के द्वारा प्रार्थना करता है। इसलिए प्यारे भाइयों और बहनों, अपने और सारी मानव जाति के पापों के लिए इस वक्त हम तौबा करेंगे। अपने और माता पिता, भाई बहन, बच्चों के गुनाहों के लिए माफ़ी मांगना। बाइबल हमें बताती है रोमियों का पत्र अध्याय 3 पद संख्या 23 में, सबने पाप किया, सब ईश्वर की महिमा से वंचित हैं। राजाओं का पहला ग्रंथ अध्याय 8 पद संख्या 46 में हम पढ़ते हैं कि इस दुनिया में कोई भी अच्छा नहीं है, इसलिए प्रभु से हम दया की भीख मांगें और गुनाहों के लिए तौबा करें। आपका जवाब होगा, हमको और सारी मानव जाति के पापों को क्षमा कर, हमको और सारी मानव जाति के पापों को क्षमा कर। हे सर्वशक्तिमान पिता, हम अपने और सारे संसार के पापों के लिए पश्चाताप करते हुए तेरे परम प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का दिव्य शरीर और रक्त
आत्मा और ईश्वरता तुझे चढ़ाते हैं। उनके दुखों के नाम पर हमको और सारी मानव जाति के पापों को क्षमा कर, हमको और सारी मानव जाति के पापों को क्षमा कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा हमको और सारी मानव जाति के पापों को क्षमा कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा हमको और सारी मानव जाति के पापों को क्षमा कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा हमको और सारी मानव जाति के पापों को क्षमा कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा हमको और सारी मानव जाति के पापों को क्षमा कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा हमको और सारी मानव जाति के पापों को क्षमा कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा हमको और सारी मानव जाति के पापों को क्षमा कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा हमको और सारी मानव जाति के पापों को क्षमा कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा हमको और सारी मानव जाति के पापों को क्षमा कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा हमको और सारी मानव जाति के पापों को क्षमा कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा हमको और सारी मानव जाति के पापों को क्षमा कर। हे ईश्वर, तू परम पवित्र है, सर्वशक्तिमान और अमर है, हमको और सारी मानव जाति के पापों को क्षमा कर। हे ईश्वर, तू परम पवित्र है, सर्वशक्तिमान और अमर है, हमको और सारी मानव जाति के पापों को क्षमा कर। हे ईश्वर, तू परम पवित्र है, सर्वशक्तिमान और अमर है, हमको और सारी मानव जाति के पापों को क्षमा कर। दीन किंचन मैं पापी हूँ, दीन किंचन मैं पापी हूँ, शरण तुम्हारी आया हूँ, शरण तुम्हारी आया हूँ, पश्चाताप के आंसू लेकर, पश्चाताप के आंसू लेकर, शरण तुम्हारी आया हूँ, शरण भेद समर्पित करेंगे नवयुवक युवतियों और बच्चों को। प्रभु, इन पर दया करना। ये कलीसिया का भविष्य है, देश के भविष्य है। इनका मन, आत्मा, हृदय पवित्र रखना प्रभु, संसार के मोह माया में खो ना जाएं, किसी प्रलोभन में, लालच में पड़ के अपना जीवन बर्बाद ना कर लें। प्रभु, दया करना। माता पिता, मेरे साथ मिलकर अपने बच्चों को समर्पित करना और प्रार्थना करना। अय्यूब अपने बच्चों के लिए इसी तरह प्रार्थना करता था, उनके लिए नित्य प्रतिदिन क्षमा की याचना के लिए बलिदान अर्पित किया करता था। अनेक बच्चे अपने माता पिता से दूर चले गए, भटक गए हैं, नशे जैसी बुराइयों में फंसे हैं, प्रलोभन में, लालच में, मोह माया में फंसे हैं, गलत रिश्तों में हैं। प्रभु, उन पर दया करे और उन्हें क्षमा करे। आपका जवाब होगा, हमको नवयुवक युवतियों और बच्चों पर दया कर। हम पर नवयुवक युवतियों और बच्चों पर दया कर। हे सर्वशक्तिमान पिता, हम अपने और सारे संसार के पापों के लिए पश्चाताप करते हुए तेरे परम प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का दिव्य शरीर और रक्त, आत्मा और ईश्वरता तुझे चढ़ाते हैं। उनके दुखों के नाम पर हम पर नवयुवक युवतियों और बच्चों पर दया कर। हम पर नवयुवक युवतियों और बच्चों पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा हम पर नवयुवक युवतियों और बच्चों पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा हम पर नवयुवक युवतियों और बच्चों पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा
हमारा, हम पर नवयुवक युवतियों और बच्चों पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा, हम पर नवयुवक युवतियों और बच्चों पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा, हम पर नवयुवक युवतियों और बच्चों पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा, हम पर नवयुवक युवतियों और बच्चों पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा, हम पर नवयुवक युवतियों और बच्चों पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा, हम पर नवयुवक युवतियों और बच्चों पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा, हम पर नवयुवक युवतियों और बच्चों पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा, हम पर नवयुवक युवतियों और बच्चों पर दया कर। हे ईश्वर, तू परम पवित्र है, सर्वशक्तिमान और अमर है, हम पर नवयुवक युवतियों और बच्चों पर दया कर। हे ईश्वर, तू परम पवित्र है, सर्वशक्तिमान और अमर है, हम पर नवयुवक युवतियों और बच्चों पर दया कर। हे ईश्वर, तू परम पवित्र है, सर्वशक्तिमान और अमर है, हम पर नवयुवक युवतियों और बच्चों पर दया कर। हे दया सागर, मुझ पर दया तू कर। हे दया सागर, मुझ पर दया तू कर। हे कृपा सागर, मुझ पर कृपा तू कर। हे कृपा सागर, मुझ पर कृपा तू कर। चौथा भेद हम समर्पित करेंगे सभी बीमार व्यक्तियों के लिए। बाइबल हमें बताती है, प्रभु का वचन कहता है, स्त्रोत संख्या 41 पद संख्या 4 और 5, प्रभु रोग शैया पर सांत्वना देता और रोगी का बिस्तर बदलता है। प्रभु रोग शैया पर रोगी को सांत्वना देता और उसका बिस्तर बदलता है। जितने भी लोग बीमार हैं या जिनके लिए प्रार्थना की जा रही है, इस वक्त प्रभु के सामने आप कहना कि प्रभु मुझ पर दया कर, मुझे चंगा कर, क्योंकि मैंने तेरे विरुद्ध पाप किया है। और प्रभु कहता है, वह दुखियों को दिलासा देता और उनके घावों पर पट्टी बांधता है। इसलिए आप लोग प्रभु पर श्रद्धा रखो, बुराई से दूर रहो, इससे वह तुम्हारे शरीर को स्वास्थ्य और तुम्हारी हड्डियों को नया जीवन प्रदान करेगा। बुराई से दूर रहो, प्रभु पर श्रद्धा रखो, इससे वह तुम्हारे शरीर और को स्वास्थ्य और तुम्हारी हड्डियों को नया जीवन प्रदान करेगा। आपका जवाब होगा, सभी रोगियों और पीड़ितों को चंगा कर। सभी रोगियों और पीड़ितों को चंगा कर। हे सर्वशक्तिमान पिता, हम अपने और सारे संसार के पापों के लिए पश्चाताप करते हुए तेरे परम प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का दिव्य शरीर और रक्त, आत्मा और ईश्वरता तुझे चढ़ाते हैं। उनके दुख भोग के नाम पर सभी रोगियों और पीड़ितों को चंगा कर। सभी रोगियों और पीड़ितों को चंगा कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा सभी रोगियों और पीड़ितों को चंगा कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा सभी रोगियों और पीड़ितों को चंगा कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा सभी रोगियों और पीड़ितों को चंगा कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा हम रोगियों और पीड़ितों को चंगा कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा सभी रोगियों और पीड़ितों को चंगा कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा सभी रोगियों और पीड़ितों को चंगा कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा सभी रोगियों और पीड़ितों को चंगा कर। हमारे प्रभु
प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा सभी रोगियों और पीड़ितों को चंगा कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा सभी रोगियों और पीड़ितों को चंगा कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा सभी रोगियों और पीड़ितों को चंगा कर। हे ईश्वर, तू परम पवित्र है, सर्वशक्तिमान और अमर है, सभी रोगियों और पीड़ितों को चंगा कर। हे ईश्वर, तू परम पवित्र है, सर्वशक्तिमान और अमर है, सभी रोगियों और पीड़ितों को चंगा कर। हे ईश्वर, तू परम पवित्र है, सर्वशक्तिमान और अमर है, सभी रोगियों और पीड़ितों को चंगा कर। बड़ा अपराधी हूँ, अज्ञानी हूँ, इसके लिए शर्मिंदा हूँ। बड़ा अपराधी हूँ, अज्ञानी हूँ, इसके लिए शर्मिंदा हूँ। मैं अपराध में हम प्रार्थना करेंगे देश के अधिकारियों के लिए, नेताओं के लिए, शासकों के लिए, प्रशासकों के लिए, जो देश की बागडोर संभाले हैं, निस्वार्थ भाव से प्रभु की प्रजा की अगुवाई कर सकें, देखभाल कर सकें। साथ ही साथ हम प्रार्थना करते हैं संत पिता फ्रांसिस के लिए, धर्माध्यक्षों के लिए, पुरोहितों के लिए, धर्म संघियों के लिए, प्रचारकों के लिए, प्रभु के दास दासियों के लिए जो उसके नाम की दुहाई देते हैं, उसके नाम को लोगों तक पहुंचाते हैं। प्रभु इन पर दया कर, पवित्रता और विश्वास का वरदान इन्हें प्रदान कर। जो मार्ग से भटके हैं प्रभु, उन्हें अपनी आशीष और कृपा से भर दे और सभी लोगों पर दया कर। हमारे देश में, कलीसिया में शांति बनी रहे, तेरा प्रेम लोगों के बीच में उमड़ता रहे। इन तमाम निवेदनों को प्रभु के चरणों में रखते हुए प्रार्थना करें और कहें, सभी पुरोहितों, धर्म संघियों एवं लोक धर्मियों पर दया कर। सभी पुरोहितों, धर्म संघियों एवं लोक धर्मियों पर दया कर। हे सर्वशक्तिमान पिता, हम अपने और सारे संसार के पापों के लिए पश्चाताप करते हुए तेरे परम प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का दिव्य शरीर और रक्त, आत्मा और ईश्वरता तुझे चढ़ाते हैं उनके दुख भोग के नाम पर। सभी पुरोहितों, धर्म संघियों एवं लोक धर्मियों पर दया कर। सभी पुरोहितों, धर्म संघियों एवं लोक धर्मियों पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा सभी पुरोहितों, धर्म संघियों एवं लोक धर्मियों पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा सभी पुरोहितों, धर्म संघियों एवं लोक धर्मियों पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा सभी पुरोहितों, धर्म संघियों एवं लोक धर्मियों पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा सभी पुरोहितों, धर्म संघियों एवं लोक धर्मियों पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा सभी पुरोहितों, धर्म संघियों एवं लोक धर्मियों पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा सभी पुरोहितों, धर्म संघियों एवं लोक धर्मियों पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा सभी पुरोहितों, धर्म संघियों एवं लोक धर्मियों पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा सभी पुरोहितों, धर्म संघियों एवं लोक धर्मियों पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा सभी पुरोहितों, धर्म संघियों एवं लोक धर्मियों पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा सभी पुरोहितों, धर्म संघियों
एवं लोक धर्मियों पर दया कर। हे ईश्वर, तू परम पवित्र है, सर्वशक्तिमान और अमर है, सभी पुरोहितों, धर्म संगियों एवं लोक धर्मियों पर दया कर। हे ईश्वर, तू परम पवित्र है, सर्वशक्तिमान और अमर है, सभी पुरोहितों, धर्म संगियों एवं लोक धर्मियों पर दया कर। हे ईश्वर, तू परम पवित्र है, सर्वशक्तिमान और अमर है, सभी पुरोहितों, धर्म संगियों एवं लोक धर्मियों पर दया कर। पवित्र करुणा के लिए हम प्रार्थना करेंगे। हे प्रभु ईश्वर, हमारी रक्षा कर, अपने पुत्र पुत्रियों पर करुणा कर, हमारे माता पिता, भाई बहन, अधिकारियों, नेताओं और हमारे द्वारा जो भी पाप, अधर्म और अपराध हुए हैं उन्हें क्षमा कर दे, हमें दंड ना दे, हमारे कर्ज माफ कर दे। हे करुणा सागर प्रभु, अपने पावन लहू से हमारे परिवारों और हमारी सब वस्तुओं का अभिषेक कर, हमें अपना बनाकर अपने पवित्र आत्मा द्वारा संचालित कर। आमीन। पवित्र हृदय के प्रति समर्पण विनती। हे प्रभु यीशु, तूने कहा है, थके मांदे और बोझ से दबे हुए लोगों, तुम सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। हम तेरे निमंत्रण को स्वीकारते हुए अपने आप को, प्रियजनों को, माता पिता, दादा दादी, नाना नानी और सभी पुरखों को तेरे पवित्र हृदय में समर्पित करते हैं। सभी भाई बहनों को, विशेष कर सभी नींद दुखियों, निराश और हताश लोगों को, शराब एवं नशे की गुलामी में पड़े सभी भाई बहनों को तेरे पवित्र हृदय में अर्पण कर करते हैं। हे प्यारे प्रभु यीशु, तेरा पवित्र हृदय करुणा और प्रेम का सागर है। अपने पवित्र हृदय के अगाध प्रेम में हम सबको, हमारे प्रियजनों को डुबाने की कृपा कर। हम अपने हृदय के सभी पाप, घमंड, घृणा, क्रोध, गुस्सा, जलन, वासना, कठोरता एवं अन्य बुराइयों को तेरे पवित्र हृदय में अर्पित करते हैं। हमारे हृदय, मन, आत्मा, चेतन और अचेतन मन की सभी चोटों को भी तेरे पवित्र हृदय में चढ़ा देते हैं। हे प्रभु यीशु, अपने पवित्र हृदय के असीम प्रेम से हमारे हृदय, मन, आत्मा, चेतन और अचेतन मन को भर दे और सभी अंदरूनी चोटों से हमें मुक्ति दिलाने की कृपा कर। हे अति मधुर यीशु, हम अपने शरीर के अंग अंग को जो कष्ट, पीड़ा व रोगों से ग्रसित हैं, तेरे पवित्र हृदय में अर्पित करते हैं। हम अपने हृदय के हर डर, भय, घबराहट और अशांति को भी तुझे सौंपते हैं। तेरे पवित्र हृदय के अगाध प्रेम के मधुर स्पर्श से हमारे शरीर, मन, आत्मा के हर कष्ट और पीड़ा को चंगा करने की कृपा कर। आमीन। पवित्र हृदय की स्तुति विनती। हे प्रभु हम पर दया कर। हे प्रभु हम पर दया कर। हे क्रिस्त हम पर दया कर। हे क्रिस्त हम पर दया कर। हे प्रभु हम पर दया कर। हे प्रभु हम पर दया कर। हे क्रिस्त हमारी विनती सुन। हे क्रिस्त हमारी विनती पूरी कर। हे पिता ईश्वर हम पर दया कर। पुत्र ईश्वर दुनिया के मुक्ति दाता हम पर दया कर। पवित्र आत्मा ईश्वर हम पर दया कर। पवित्र त्रित्व एक ही ईश्वर हम पर दया कर। यीशु के हृदय जो कुमारी मरियम के गर्भ में आत्मा से बनाया गया हम पर दया कर। यीशु के हृदय जो सत्यवता ईश्वर का शब्द है हम पर दया कर। यीशु के हृदय असीम प्रताप से युक्त हम पर दया कर। यीशु के हृदय ईश्वर का पवित्र मंदिर हम पर दया कर। यीशु के हृदय सर्वोच्च का तंबू हम पर दया कर। यीशु के हृदय परमेश्वर का भवन और स्वर्ग के द्वार हम पर दया कर। यीशु के हृदय प्रेम से जलती हुई अग्नि हम पर दया कर। यीशु के हृदय न्याय और प्रेम का भंडार हम पर दया कर। यीशु के हृदय भलाई और प्रेम से भरपूर हम पर दया कर। यीशु के हृदय सब गुणों के अथाह समुद्र हम पर दया कर। यीशु के हृदय सब प्रकार की स्तुति के योग्य हम पर दया कर। यीशु के हृदय सब हृदयों के राजा और केंद्र हम पर दया कर। यीशु के हृदय समस्त प्रज्ञा और ज्ञान के भंडार हम पर दया कर। यीशु के हृदय ईश्वर की पूर्णता हम पर दया कर। यीशु के हृदय जिस
जिससे पिता अत्यंत प्रसन्न है, हम पर दया कर। यीशु के हृदय जिसकी पूर्णता में हम सभी ने पाया, हम पर दया कर। यीशु के हृदय धीरज और दया से परिपूर्ण, हम पर दया कर। यीशु के हृदय प्रार्थना करने वालों का आसरा, हम पर दया कर। यीशु के हृदय जीवन और पवित्रता का झरना, हम पर दया कर। यीशु के हृदय अपमानों से दुखित, हम पर दया कर। यीशु के हृदय जो हमारे पापों के कारण कुचला गया, हम पर दया कर। यीशु के हृदय मरण तक आज्ञाकारी, हम पर दया कर। यीशु के हृदय जो बर्छी से छेदा गया, हम पर दया कर। यीशु के हृदय हर दिलासा का झरना, हम पर दया कर। यीशु के हृदय हमारा जीवन और पुनरुत्थान, हम पर दया कर। यीशु के हृदय हमारी शांति और मिलाप, हम पर दया कर। यीशु के हृदय हमारे पापों की बलि, हम पर दया कर। यीशु के हृदय तुझ में आसरा रखने वालों की मुक्ति, हम पर दया कर। यीशु के हृदय तुझ में मरने वालों का आसरा, हम पर दया कर। यीशु के हृदय सब संतों का आनंद, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है, हे प्रभु हमें क्षमा कर। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है, हे प्रभु हमारी विनती सुन। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे प्रभु के हृदय कोमल और दीन, हमारे हृदय को अपने हृदय के समान बना दे। हे प्रभु के हृदय कोमल और दीन, हमारे हृदय को अपने हृदय के समान बना दे। हे प्रभु के हृदय कोमल और दीन, हमारे हृदय को अपने हृदय के समान बना दे। सभी घुटना टेके, मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। प्रभु आपको आशीष प्रदान करे, उसकी दया और करुणा आपके शरीर आत्मा हृदय आपके परिवारों बच्चों पर बुजुर्गों पर माता पिता पर बरसे। आपकी हड्डियों को आराम प्रदान करे, जो कष्ट में है पीड़ा में है निराश हैं हताश हैं उदास हैं अनेक प्रकार की भयंकर बीमारियों से पीड़ित हैं, वो आपकी हड्डियों को नया जीवन और शरीर को स्वास्थ्य और मन को शांति प्रदान करे। जिन परिवारों में कष्ट है रिश्ते बिगड़े हैं टूटे हैं, प्रभु आपको इस वक्त अपनी आशीषों और बरकतों से भरपूर करे। सर्वशक्तिमान शाश्वत ईश्वर अपने परम प्रिय पुत्र यीशु क्रिस्त के हृदय पर दया दृष्टि डाल, और जो स्तुति तथा प्रायश्चित पापियों के नाम पर तुझे चढ़ाया गया है उस पर ध्यान देने की कृपा कर। तेरे ये बेटे और बेटियां तेरी वेदी के सामने नतमस्तक होकर तुझसे दया की भीख मांग रहे हैं। जितने लोगों ने आंसू बहा बहा कर प्रार्थना किया, हृदय से पश्चाताप किया है, हे प्रभु इन्हें क्षमा कर और इन्हें नया जीवन प्रदान कर। निसंतान दंपतियों को आशीष प्रदान कर, निसंतानता के बंधन टूटे, हे प्रभु यीशु गर्भ के बंधन टूटे। शरीर में किसी प्रकार की कमी घटी है, हे प्रभु तेरे पवित्र सामर्थ्य लहू से अभी और इसी वक्त वह दूर हो जाए। तू दयावान है दया करने वाला करुणामय ईश्वर है, सहज ही द्रवित हो जाता है। मांगने वालों को तू देता है, तुझे जो पुकारते हैं तू उनकी सुनता है, जो तुझे ढूंढते हैं तू उन्हें मिल जाता है। अब तेरे इन बच्चों को आशीष प्रदान कर, अपनी रूह का ताजा मसा और अभिषेक इनके परिवारों पर उड़ेल दे, तेरी आत्मा इनकी अगुवाई करे। हे प्रभु इनके परिवारों पर तेरी आशीष पर से तेरा स्वर्गदूत मिखाएल रफाएल और गैब्रियल इन्हें संरक्षण दे, इनकी सहायता करे मार्गों में आते जाते समय, दफ्तरों में जहां पर ये काम करते हैं। हे प्रभु इनके खेत खलियानों पर इनके घरों पर चौकटों बिछौनों को आशीष प्रदान कीजिए। मेरी ये प्रार्थना सुन ले उद्धार करता यीशु प्रभु के द्वारा। आमीन। पवित्र पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा। पवित्र
तुझे धन्यवाद प्रभु जी, तुझे धन्यवाद, तुझे धन्यवाद, तुझे धन्यवाद प्रभु जी, तुझे धन्यवाद, तुझे धन्यवाद प्रभु जी, तुझे धन्यवाद, तुझे धन्यवाद, तुझे धन्यवाद प्रभु जी। तेरी महिमा हो, तेरी महिमा हो, तेरी महिमा हो प्रभु जी, तेरी महिमा हो, तेरी महिमा हो, तेरी सबको जय यीशु की। प्रभु आपको आशीष दे। संध्या 7 बजे पुनः आपके साथ मिलकर प्रभु की स्तुति आराधना करेंगे। वचन की घोषणा होगी, चंगाई की प्रार्थना होगी। तब तक के लिए आप प्रभु की आशीष में बने रहें। गॉड ब्लेस यू।